नमस्कार वन इंडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं अजय। इंडियन प्रीमियर लीग 2021 के दूसरे चरण का आगाज काफी धमाकेदार रहा, धमाकेदार चेन्नई सुपर किंग्स के लिए, हालांकि ये मुंबई इंडियंस के लिए भी हो सकता था। दरअसल आईपीएल 2021 के सेकंड फेज का पहला मैच कल मुंबई इंडियंस और चेन्नई सुपर किंग्स के बीच खेला गया। इस मैच में जीत दर्ज कर चेन्नई सुपर किंग्स पॉइंट्स टेबल पर पहले स्थान पर पहुंच गई है। इस मैच में मुंबई इंडियंस की कमान कैरन पोलार्ड के हाथों में थी। रोहित शर्मा की गैरहाजिरी में पोलार्ड से काफी उम्मीदें थी। मैच के बाद कैरन पोलार्ड की कप्तानी पर इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने सवाल खड़े कर दिए। दरअसल आईपीएल 2021 के दूसरे चरण का पहला मैच दुबई इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम में खेला गया। इस मैच में जब चेन्नई बल्लेबाजी कर रही थी तब काफी वक्त तक मुंबई इंडियंस का पलड़ा इतना भारी था कि मानो ऐसा लग रहा था कि चेन्नई की टीम अपने घुटने टेक देगी। हालांकि चेन्नई सुपर किंग्स के सलामी बल्लेबाज ऋतुराज गायकवाड़ ने शानदार पारी खेल टीम की जीत की नींव रखी। मैच के बाद इंग्लैंड के पूर्व कप्तान केविन पीटरसन ने मुंबई इंडियंस के स्टैंड इन कप्तान कैरन पोलार्ड की कप्तानी पर सवाल खड़े कर दिए। मैच के बाद स्टार स्पोर्ट्स के साथ बातचीत में पीटरसन ने कहा, मुंबई की शुरुआत काफी जबरदस्त थी। चेन्नई सुपर किंग्स के 4 विकेट काफी जल्दी गिर गए थे। अम्बाती रायडू रिटायर्ड हर्ट हो गए थे। जब आपको इतने सारे विकेट्स इतने जल्दी मिल जाते हैं तो फिर लगातार अपनी पकड़ बनाए रखनी होती। मुझे नहीं पता कि जसप्रीत बुमराह से 2 या 3 ओवर नहीं कराकर पोलार्ड क्या सोच रहे थे। सीएसके को 60, 70 या 80 रन पर ऑल आउट करना चाहते थे। बहरहाल मैच की बात करें तो आईपीएल 2021 का मैच नंबर 30 मुंबई इंडियंस और सीएसके के बीच खेला गया। धोनी की अगुवाई में चेन्नई सुपर किंग्स ने पहले बल्लेबाजी करते हुए 156 रन बनाए। जवाब में मुंबई इंडियंस 136 रन ही बना सके। चेन्नई ने यह मैच 20 रनों से जीत लिया। इस जीत के साथ सीएसके टेबल पर पहले स्थान पर पहुंच चुकी है तो वहीं मुंबई चौथे स्थान पर जमी हुई। इस खबर में फिलहाल इतना ही। तमाम अपडेट्स के लिए बने रहिए वन इंडिया के साथ।